अभिषेक डॉक्टर हम कर ले यार काम आप लीजिए हमें तो आप रुक जाओ थोड़ा आप ठीक है आप जनता हो बताइए आप जनता हो चल के आया बताओ 10 मिनट एक मिनट भैया एक मिनट एक मिनट ये लो माइक करो आप मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड कर देना मैं रिकॉर्ड कर एक जी एक जना बोलो कोई भी एक जना बोलो कोई भी एक ये लोगों ने बोल दिया जी आप भैया जी क्या नाम आपका मेरा नाम सुनीता जी क्या बात हुई मेरा बच्चा 6 बजे चढ़ के आया अस्पताल है 6:30 बजे इसके इंजेक्शन लगाया आधा घंटा फिर भी कोई देखने नहीं आया 6:30 बजे इसके 3 इंजेक्शन लगाया उसके बाद 7 बजे इसने दम तोड़ा कहता हमारा जू फड़फड़ा रहा है कोई मैडम कोई देखने नहीं आई उसके बाद हमारे पास फोन गया 7 बजे फोन गया उसके बाद कहते तुम्हारा बेटा खत्म हो गया उसके बाद यहाँ के कोई डॉक्टर देखने नहीं आया अब चले एक भाग गया सीधा बोल दो नाम क्या है बच्चे का आपके बच्चे का महेश और कहाँ के रहने वाले हो आप लोग हम यूपी के रहने वाले कानपुर उन्नाव यहाँ पे कहाँ रहते हो इंदिरा कॉलोनी कोई बीमारी बताई थी आपको कोई बीमारी नहीं पेट में दर्द थी कह रहे पेट में उल्टियां आई थी उल्टियां आके सिर्फ आया चल के आया था उल्टी आई थी आपका नाम क्या है जी मेरा नाम कन्हैया है जी क्या लगते हो आप ये मेरा भाई है छोटा भाई है मेरा जी मामला ये है सर कि 6:20 पे यहाँ पे आया और 6 इसने पर्ची कटा के जी लड़के ने पर्ची कटवाई डॉक्टर मैम कहते हैं आप लेट जाओ बेटा मैं टीका लगा देती हूँ उन्होंने 3 टीके लगाने के बाद कहते 5 मिनट बेटा रेस्ट करो बोल रहा सब कुछ 5 मिनट रेस्ट करने के बाद डॉक्टर कौन थे डॉक्टर में अभी डॉक्टर कोई इंक्वायरी नहीं डॉक्टर की डॉक्टर का नाम भी नहीं पता अभी कुछ नहीं पता जी हमें चल के आया डॉक्टर ने 6:07 बजे डॉक्टर ने 10 मिनट वो सीधा भाग गए जी इंजेक्शन लगाने के बाद जी 5 मिनट बाद कहने लगे जी आपकी भाई की दर्द हो गई क्या नाम क्या है हंगामा हो रहा है ये हंगामा इसलिए हो रहा है जी डॉक्टरों की लापरवाही है जी डॉक्टरों की लापरवाही है अभी हमसे बात करो बताओ पुलिस वाले धमकी दे रहे हैं इनको सबको साले को अरेस्ट करेंगे अंदर करेंगे पुलिस वाले धमकी दे रहे हैं इनको अंदर करेंगे रेस्ट करो इनको अंदर हाँ। 2 दिन के लिए इनको रेस्ट करो बन रही है आपकी सबकी कार्रवाई बाद में होगी अभी वीडियो मैं बना ले रहा हूँ बाद में कार्रवाई होगी सबकी कार्रवाई करेंगे बार बार हमें ये धमकी दी जा रही है जी हमें बोलो तो जिस तरह से तस्वीरें आपको दिखाई लेकिन 6 पंचुकला की तस्वीरें हैं ये धमकी दे रहे सर इनको सबको अंदर करो ये धमकी दे रहे इनको धमकी अंदर दे रहे शॉर्ट छोड़ियो मत मैं लाइव था शॉर्ट ना छोड़ियो कोई बंद करोगे चौकी लगाओगे बंद करोगे
अरे तुम्हारा बच्चा के चीर फार करेंगे। अब भैया तुम्हारे पर जान है भैया, माँ भैया चीर फार बाइक ले। नहीं आप बुला रहे हैं। नहीं सुना रहा हूँ। आप बुला रहे हैं। 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 फिलहाल मौके पर जो यहाँ पर लापरवाही की बात कही जा रही है, और फिलहाल मौके पर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की बात कही जा रही है, और कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम को लेकर विरोध किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम जो है वो अस्पताल की बजाय हम पोस्टमार्टम बाहर कराएंगे। लेकिन वहीं पर पुलिस प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अगर बात करी जाती है तो उनका कहना है कि जो यहाँ पर अस्पताल की लापरवाही या दवाई में कुछ कमी पेशी हुई है, पोस्टमार्टम जो है उसका यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल परिजन जो है यहाँ पर काफी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, और तस्वीरें जो है नागरी अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला से आ रही है, जहाँ पर सरेआम जो परिजन है वो लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि जो अस्पताल प्रबंधन की गलतियां हैं या फिर इंजेक्शन जो है बताए जा रहे हैं कि इंजेक्शन गलत लगाए गए हैं, जिसकी वजह से मरीज की मौके पर मौत हो जाती है। अब यहां पर जो परिजनों का ये कहना है कि पोस्टमार्टम जो है फिलहाल हम ना करें, और दूसरी बात पोस्टमार्टम अगर हो तो पोस्टमार्टम बाहर की तरफ किया जाए, पंचकुला के नागरी अस्पताल में नहीं कराएंगे, क्योंकि पहले ही लापरवाही की वजह से यहां पर एक बड़ी तस्वीर जो है सामने नजर आई, और परिजन ने अपना परिवार का एक सदस्य जो है वो खो दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रबंधन जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बात करी जाती है या फिर अस्पताल प्रबंधन की बात करी जाती है, क्या वो मौके पर पहुंचकर इस मामले को देखता है या नहीं। बने रहे हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पंचकुला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल से। बता दूं ये हंगामा काफ़ी देर से चल रहा है, और मौके पर ना तो सीएमओ अभी तक पहुंची है ना ही पीएमओ पहुंचे हुए हैं, केवल पुलिस बल तैनात है, और जो मौके पर इमरजेंसी में डॉक्टर थे। अब आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस के काफी अधिकारी, एसएचओ लेवल की बात करी जाती है, अधिकारी की महिला पुलिस की बात करी थी, लेकिन यहाँ पर जो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से एसएमओ को यहाँ पर मौके पर होना चाहिए था, लेकिन एसएमओ यहाँ मौके पर नहीं है, और ना ही यहाँ पर सीएमओ अभी तक पहुंची। अब देखना ये होगा।
बॉडी मत दिखाओ, बॉडी मत दिखाओ। तो फिलहाल देखना ये होगा कि यहाँ पर SMO और CMO जो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से वो कब तक पहुँचते हैं, क्योंकि जिस तरह से परिजन जो हैं लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि जो हमारे जो पीड़ित जो है जिसकी डेथ हो गई है उसका पोस्टमार्टम हम फिलहाल अस्पताल में नहीं कराएंगे। अब देखना ये होगा कि जो अस्पताल प्रबंधन है वो मौके पर पहुँच के इस मामले को कैसे समाधान करता है। लेकिन परिजन की बात करें तो परिजन फिलहाल मौके पर किसी भी तरह से टसमस होने का नाम तो नहीं ले रहे हैं। तो वहीं पर कई जो परिजन उनका आरोप ये भी लग रहा है कि फिलहाल मौके पर सुनवाई नाम की कोई जो है खाना पूर्ति वो नहीं हो रही, और डॉक्टर भी मौके से नदारद हो गए हैं। और जिस डॉक्टर, इनका ये भी कहना आरोप है कि जो फिलहाल जिस डॉक्टर ने इनका इलाज किया था या फिर जिस अटेंडेंट ने या जिस नर्स ने इनका इलाज किया था फिलहाल वो भी मौके पर पहुंचे, लेकिन फिलहाल डॉक्टर भी मौके पर नहीं है और ना ही यहाँ पर जो SMO है SMO और CMO की तरफ से कोई मौके पहुंचा हुआ है। माँ बेहोशी, माँ बेहोशी, ये बच्चे की शायद जो मृतक है उसकी माँ को शायद बेहोशी की स्थिति में आई है और बेहोश ही उनका पानी डाला जा रहा है मुंह के ऊपर, शायद उनके परिजन अभी नहीं देखा। और बाहर वो निकला, बाहर निकला सचो, निकला रामदेव बाहर निकला, और फटाफट आओ, फटाफट आओ, फटाफट आओ बाहर, लगा रखा आपने लाइव, लाइव है भाई, कैमरे को।